गाजीपुर से पंकज यादव, पत्रकार पीआरडी ऑफिसर की रिपोर्ट। पशु प्रेम की मिसाल पेश की यादव कुल ने। खबर है गाजीपुर के सैदपुर ग्राम सभा पिपिनार की, जहां पर भोला नामक एक सांड काफी लंबे समय से अपना जीवन यापन कर रहा था। पशु होने के नाते ग्राम सभा के सभी लोगों का उससे एक लगाव सा हो गया था। ग्राम वासियों का भोला नामक पशु से लगाव इतना हुआ कि उसका नाम लोगों ने अच्छा स्वभाव होने के कारण भोला रख दिया। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाने पर ग्राम सभा पिपिनार के संता राजभर, जो चरवाह थे गांव के, उन्होंने दाग दिया, जैसे इंसानों की मृत्यु हो जाने पर लोग देते हैं। और आज दिनांक 31 मार्च 2021 को इंसानों की तरह 13वीं का प्रोग्राम किया गया, जिसमें पूरे गांव के सहयोग से करीब 6000 जनता के भोजन का इंतजाम किया गया। समाज सेवी अरविंद राय, डब्लू कांता यादव, बलिहारी यादव, अरविंद राम, गुटू हनुवाई, संतोष शर्मा, सोहन यादव, कुंवर यादव, रमेश यादव, हनुमान यादव, सुभाष यादव, पंकज यादव, समाज सेवी अमरजीत कुशवाहा, मनोज कुमार, राहुल यादव, विमंपले यादव व पूरे गांव के लोग मौजूद रहे। ऐतिहासिक कार्य कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। जैसा कि हमें कहीं कहीं सुनने को मिलता था कि किसी गाँव में एक सांड जब रहने लगता था, उसे काफी लोगों को लगा हो जाता था, और उसकी जो है कि डेट होने पे लोग 13वीं करते थे, और पूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम से उसके साथ जो है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। वैसा ही कुछ आपको गाजीपुर के सरहद ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपिनार में देखने को मिला है। आइए आपको इन लोगों से रूबरू करते हैं जो यहाँ के समाज सेवी हैं, और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो काफ़ी जो है कि लगन से उसके प्रति जो लगन हो गई थी, काफ़ी दिन से वो यहाँ पर रह रहा था, जिससे लोगों को काफी उससे लगा हो गया था। भाई नमस्कार, कैसे आपका नाम? हमारा नाम संता राजभर जी। अभी जो सांड की डेट हुई थी, वो कितने वर्षों से इस गांव में रहता था? अरे बच्चेपन से वो सांड के हम लोग पाले थे। अच्छा, बहुत दिन से रहता था, 15-20 बरस से जो तो अब मर गया यार। तो उसकी डेट होने के बाद आप लोग समाधि दिए उसको? हाँ, समाधि दिए था जी। तो अभी आज उसका 13वां है। हाँ, 13वां दिन है। इसमें जो इसका अब जो 13वीं की जा रही है, इसमें पूरे गांव के लोगों का सहयोग है? पूरी जनता की जी। हाँ, पूरी जनता की सहयोग, पूरा गांव सभा। आइए, हमारे बीच में एक और चाचा मौजूद है, आपका नाम? हरिकर राजभर जी। इस जो सांड देवता थे जो इस गांव में रहते थे, उनकी डेट कैसे हुई? डेट हुआ के पूरा गांव भर चरा चढ़ के शाम को रात में गया चौधैया सौ राह साहब के बाबू रमेश्वर राय के खेत में, वो गिर के मर गए। हम लोग सुने सवेरे जाके उसका मैंने कफन दफन कराया, जीबीसी मंगा के करके हम लोग 13 का मैंने प्रोग्राम कर दिया जी। एकदम 13 का पूरा गांव के सहयोग, पूरा गांव सभा पिपिनार जी। हाँ, हरिका राज बोला, आप गांव से सहयोग लेके आप लोग चंदा काफी लोगों से? हाँ, समस्त गांव का सहयोग है इसमें, सब पूरे समस्त गांव वालों का सहयोग, सारे लोगों ने मिल के इनका कफन दफन इनको दफन किया, फिर इनकी 13 का आयोजन किया गया भंडारे के रूप में काली जी के स्थान पे, और ये समस्त 5-6 हजार लोगों का भंडारा हो जा रहा है। जैसा कि आप खाना भी बन रहा है गाँव देख सकते हैं, और समस्त आप भी गांव के ही हैं, इस गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको पता भी होगा कि पूरी पिपिनार ग्राम सभा की जितनी भी जनता है, ये बोला गया भैया, तो अगल बगल के गांव में भी निमंत्रण भेजा गया है। मतलब ये शायद हम लोगों के गांव में तो पहली बार होने जा रहा है, ये जो प्रक्रिया हुई है अभी सांड की 13 की, ये देवता थे एक तरह से हमारे गांव के, हम लोगों का मानना है भैया, ये सोच के हम लोग कर रहे हैं, और उनके आज 13 के दिन दूसरे सांड को छोड़ रहे हैं जी। हमने आपको दिखाया कि एक उसी सांड का बच्चा, जैसे उसी से क्रॉस पैदा हुआ था, उसी को दाग के गांव में छोड़ा गया है। तो ऐसा आप लोग कभी कभी सुनने को आप लोगों को मिलता होगा, मगर इस ग्राम सभा पिपिनार में आपको आज देखने को मिल गया कि काफी लोग जो है कि उस सांड के प्रति काफी लोगों का लगाव बढ़ गया था। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे लोगों के खाने पीने की सामग्री तैयार की जा रही है। आप हमारे बीच में नहीं फ्री में, फ्री में आप कोई व्यवस्था नहीं, सारी चीज अपनी है, सब फ्री है। आपका नाम? धर्मराज राजभर, गुड्डू हलवाई, उप गुड्डू हलवाई।
तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी काफी जो है कि मात्रा में यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है, करीब 5 से 6 हजार लोगों की व्यवस्था की गई है जैसा यहाँ पे इन लोगों ने बताया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं ना कहीं अन्य गांव के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए इस चीज़ से, जैसा कि आज बीजेपी सरकार योगी जी का कहना है कि आज उनको वरीयता दी जा रही है, जैसे लोग कभी कभी इसका भूचड़ खाना चला जाता था मगर आज ऐसी खबरों को आपके बीच में रखते रहेंगे। आप बने रहिए अल्पायु के साथ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी गांव की महिला हैं वो खाना बनाने में पूरा लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी भी आए हैं और हवन का काम कर रहे हैं। यहाँ माँ काली का स्थान है जहाँ पे लोग पूजा पाठ करके आपको पीछे दिखा दें कि यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि जो लोग आए वो आराम से खाना खाने के लिए बैठ के खा लें। ऐसी व्यवस्था जो कि एक जब इंसान की डेट होती है ऐसे कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, मगर यहाँ पे उस क्षण ने काफ़ी लोगों के जो है कि दिलों में जगह बना ली थी, जिसकी वजह से लोग जो है कि इतना एकत्रित मात्रा में होके उसका अंतिम संस्कार तिरहवा कर रहे हैं। धन्यवाद।